तो हाँ जी दोस्तों, आ चुका हूँ मैं मुंबई। दोस्तों आज ही मुंबई आया हूँ मैं, और मैं अभी मरीन ड्राइव पे चल रहा हूँ। मैं ड्राइवर से पूछ रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या है, सुनिए मैं क्या कहता हूँ ड्राइवर से अभी। ये हाजी अली मरीन ड्राइव के अलावा कुछ है यहाँ पे और घूमने का? हाजी अली जा क्या है? हाँ अभी हाजी अली से हो क्या है ना, मैं हाजी अली हो क्या है वहाँ पे चादर चढ़ा चले जाओ, बैंक स्टैंड है, दरिया किनारा है, बस ये मतलब यही है। दोस्तों अभी इसमें रूम में आया हूँ मैं, ये रूम लिया मैंने। तो हाँ जी दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आज ही मैं मुंबई आया हुआ था। मुंबई आने के बाद फिर यहाँ पे मैंने हाजी अली घूमा था, मरीन ड्राइव घूमा था। तो रात हो गई थी, 10 बज गए थे, तो मैंने ये रूम लिया था। दोस्तों बताना चाहूँगा इस रूम की कीमत भी यहाँ पे 2,000 रुपये है। यहाँ पे रूम जो है बहुत महंगा पड़ता है दोस्तों, भाई ये समझ लो कि बस खर्चा ही खर्चा होता है यहाँ पे। तो आगे देखिए, मैं यहाँ पे मुंबई लोकल दिखाने वाला हूँ। चलिए मुंबई लोकल देखो दोस्तों कैसी होती है यहाँ की। सर आपल्याला कुठेही कोणतीही अपरिचित किंवा संशयास्पद वस्तू दिसली तर त्या वस्तूला हात लावू। तो हाँ जी फ्रेंड्स, देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा खुला समुंदर। अब मैं आ चुका हूँ गेट ऑफ इंडिया पे दोस्तों। जगह देखें आप, जगह सर बहुत प्यारी जगह है दोस्तों, बहुत प्यारी जगह। दोस्तों बताना चाहूंगा यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ रही थी ना यार, इतनी गर्मी थी, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। और यहाँ पे दूसरी, यहाँ पे चालान भी कट रहे थे धड़ाधड़ मार्क्स के। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलता हूँ मैं लेके आपको। दोस्तों ये जो गेट ऑफ इंडिया है उसका पीछे का सीन है दोस्तों, अब मैं आपको आगे का सीन दिखाऊंगा। सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो ताज होटल है दोस्तों, ये ताज होटल बोला जाता है, बड़ा फेमस है मुंबई में आके। अगर मुंबई में अगर आप आए हैं तो ताज होटल और गेट ऑफ इंडिया आना तो बनता ही दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों गेट ऑफ इंडिया की एक झलक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे टूरिस्ट घूम रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे मौसम भी बहुत ही प्यारा मौसम था यार, बहुत प्यारा मौसम। यहाँ बताते हैं कि 12 महीने एक ही जैसा मौसम रहता है, ना ज़्यादा ठंड पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो ठीक था मौसम। हमारे दिल्ली में तो वैसे भी ठंड पड़ती थी इस टाइम,
लेकिन यहाँ पे मौसम खिला हुआ था, जैसे आप धूप भी देख सकते हैं। और दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर यहाँ पे अगर आपको वाटर से लेकर कुछ एक्टिविटी करनी है, जैसे वहाँ पे बोट राइड करनी है या फिर घूमना है तो पानी के अंदर, तो वो भी आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे फोटोग्राफर भी बहुत खड़े थे, और यहाँ पे दोस्तों मराठी लैंग्वेज चलती है, यहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है मराठी है। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे खड़ा था, आगे देखिए, आगे और चलते हैं। तो फ्रेंड्स व्यू देख सकते हैं आप, कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पे। जगह देखे दोस्तों, बहुत ही प्यारी ऑसम प्लेस था। अगर यहाँ बोट राइडिंग कर सकते हैं तो आप बोट राइडिंग के भी ऑप्शन है यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप आते हैं ना, तो यहाँ पे आपको बोट टैक्सी भी मिलेगी यहाँ पे, उधर से इधर से उधर जाने के लिए। ये मुंबई में पहली टैक्सी है जो बोट टैक्सी बनी है। कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।